हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेषाज क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। खास वीडियो तो वैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ, लेकिन आज का वीडियो सच में खास है। वो इसलिए कि अगर आपके घर में शांति की कमी है, या अगर आपके घर में बहुत छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, या फिर पैसे में बरकत नहीं होती है, तो आप आज जो आप अपनी स्क्रीन पर पौधा देख रहे हैं, इसको ज़रूर लगाएं अपने घर में और मेन डोर के बाहर लगाएं। और अपने घर के, जैसे आप किसी अपार्टमेंट वगैरह में भी रहते हैं, तो घर के दरवाजे के बाहर लगा सकते हैं। तो इससे लगाने से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ़र्क आपको खुद ही लगना शुरू हो जाएगा। और इसकी केयर किस तरीके से करनी है, कौन सा पौधा है ये, क्या इसका नाम है, सारी जानकारी दूंगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ज़रूर, इसको लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है, जिससे कि आगे तक भी लोगों तक इसका, इस पौधे का फ़ायदा पहुँचे और आगे लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस पौधे को मैं आपको दिखा दूँ, ये पौधा इस तरीके का होता है, पतली पतली पत्तियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की, और ये ग्रीन ही होता है। और इसका नाम है सुख शांति पौधा। इसको अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसको सुख चैन का पौधा कहा जाता है, कहीं पर इसको सुख शांति का पौधा कहा जाता है, कहीं पर इसको बोला जाता है निर्गुंडी के नाम से। तो ये पौधा आप अपने आसपास की लोकल नर्सरी से ईजीली परचेज कर सकते हैं। अगर आपको उस पर ना मिले तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हालाँकि इसमें फूल वगैरह नहीं आते हैं, इसमें फूल आते हैं वाइट कलर के छोटे छोटे से, लेकिन उसको कट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बढ़ते रहने से इसके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसी के ऊपर हम पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा शुभ पौधा है। अगर आपके घर में किसी तरह की मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, शांति की कमी है, या पैसे में बरकत नहीं होती है, तो आप इस तरीके का पौधा, इसका जिसका नाम है सुख शांति, इसको ज़रूर लगाएं अपने घर में, मुख्य द्वार पर लगाएं। आप चाहें तो दोनों ओर भी लगा सकते हैं। और इसको हमेशा, एक तरीका और बताती हूँ, एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि इसको हमेशा जोड़े में लगाना चाहिए, यानी कि सुख और शांति दोनों। तो आप देखिए, मेरे एक ही गमले में दो पौधे लगाए हुए हैं, देख रहे हैं आपको अलग अलग। तो ये दोनों लगाएंगे। अच्छा, वैसे तो इसका धार्मिक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, तो जब इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसको आप, ये अपने ऊपर ले लेता है पौधा। तो ये पौधा ख़राब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। उसको थोड़ा सा आप अपने भी प्रयासों से दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए, पौधे हम कोई भी लगा लें, लेकिन जब तक खुद अपना माइंड अच्छा नहीं रखते हैं, खुद पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं, और खुद सुख और शांति की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं करते, तब तक कोई भी पौधा या कोई भी चीज़ हमें बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का तो हमें ध्यान रखना ही है। लेकिन इस पौधे की केयर, चलिए मैं बता देती हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, आसानी से ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी लग जाता है, लेकिन कटिंग बहुत बार इसकी नहीं चलती है। तो हो सकता है, मतलब कोशिश करें कि आप अपनी नर्सरी से ही इस पौधे को ला करके अपने घर में लगा लें। अगर मैं बात करूँ इसकी सॉइल मिक्सचर की, तो नॉर्मल सॉइल मिक्सचर जो कि हम अपने प्लांट वाले पौधों में, जो फूल वाले पौधे होते हैं, उसमें जैसे खाद, सॉइल और सैंड का मिक्सचर बना करके लगाते हैं, उसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, इसको धूप पसंद है, तो फुल सनलाइट पे तो नहीं, लेकिन सेमी सनलाइट में रखना है। हालांकि जो सर्दियों की धूप होती है, उसमें आपको इसको फुल सनलाइट में रखना है, और जो गर्मियों की धूप होती है, उसमें आपको इसको पानी प्रॉपर देना है, खूब अच्छे से। जब पानी देना है तो अच्छे से पानी देना है, और वेल ड्रेन सॉइल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब इसकी पानी जब आप देंगे ज़्यादा, तो उसके बाद में वो ड्रेन भी होना चाहिए। अगर ड्रेन होगा तभी आपका जो पौधा है वो अच्छा हरा भरा स्वस्थ रहेगा। हालांकि पानी की कमी की वजह से भी इसकी पत्तियां पीली होती हैं, तो ये चीज़ मैं मेंशन ज़रूर कर दूँ। अब जैसे मेरे इस पौधे में मैंने 2-3 दिन से पानी नहीं दिया, वो इस कारण कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे लगा बारिश आएगी तो यहाँ तक भी पहुँच जाएगी, लेकिन बारिश यहाँ तक नहीं पहुँची, तो जिसकी वजह से मेरा पौधा सूखा है। तो अभी इसमें पानी देने के लिए जा रही थी, सोचा चलिए पहले आपके साथ में वीडियो शेयर कर देती हूँ, फिर इसमें पानी देती हूँ। तो पानी की वजह से इसकी जो पत्तियों की जो टिप है, ये पहले पीली होने लगती है, फिर धीरे धीरे करके पत्ती ब्राउन हो जाती है या पीली ज़्यादा हो। अच्छा, ओवर वाटरिंग की वजह से भी इसमें ये प्रॉब्लम आती है, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें, या तो ओवर वाटरिंग ना करें और अंडर वाटरिंग भी ना करें।
दूसरी चीज़, इसमें मिली बग जो होता है वो बहुत अटैक करता है, तो इसलिए इसमें टाइम टाइम पर आप कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें। तो सनलाइट की मैंने बात कर ली कि आपको इसको सेमी शेड में रखना है, यानी कि जहाँ पर सुबह की या शाम की 1 से 2 घंटे की धूप आए झनती हुई, तो वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। सर्दियों में फुल सनलाइट में रखना है। अच्छा, पानी की मैंने बात कर दी आपको। इसमें वाटरिंग वैसे तो आप डेली करें, लेकिन मिट्टी चेक करके करें कि बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला पानी भी, ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग बिल्कुल भी ना हो इसको। सनलाइट, वाटरिंग और खाद जो होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको हार्डी प्लांट है, तो इसको आप 15 दिन में, महीने में एक बार खाद दे सकते हैं। कोई भी खाद देंगे तो वो भी चलेगी। वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, कंपोस्ट भी दे सकते हैं, गोबर खाद भी दे सकते हैं। सभी में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके का जंगली पौधा भी कहा जाता है और इंडिया के जंगलों में पाया जाता है। तो आप अगर ढूंढ सके तो इसको जंगलों से भी लेकर के आ सकते हैं, लेकिन इसको जड़ी बूटी के रूप में भी यूज़ किया जाता है, तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। तो स्किन केयर में भी बहुत ज़्यादा फायदा देता है। बहुत सारे इसके और भी गुण हैं, औषधीय गुण हैं, तो अगर आपको इसके औषधीय गुणों के बारे में जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक पुरानी वीडियो पहले भी शेयर की थी, तो आप वो जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगी। तो आज मैं बात कर रही थी इसकी केयर की, तो आपके साथ में मैंने वाटरिंग की और मिट्टी की भी बात कर दी है, सनलाइट की भी बात कर दी है, और पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहें 10 से 15 दिन में। आजकल ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा है, तो इस करके इसमें पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं। तो इस बार इस टाइम पर आप 8 से 10 दिन के अंदर अंदर एक बारी कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें। और दूसरी चीज़, इसको अगर बुशी बनाना है आपको तो इसकी कटिंग करते रहें। और आजकल तो प्रूनिंग का बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप इस टाइम पर कोई भी प्लांट की प्रूनिंग करेंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। तो हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग ही करनी है, मैं बता दूँ। तो आप प्रूनिंग करते रहिए, जितना इसको घना बनाना है उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दीजिए। जैसे कि ये इतनी बड़ी हो गई है, तो अगर मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी तो, और इसकी कटिंग को भी वेस्ट ना करें, आप लगा करके देख लें, लग जाता है तो अच्छी बात है। तो बस आज की जानकारी इतनी थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर कर दें। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।